जय भीम जय मूलनिवासी। मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज 12 में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के मार्गदर्शन में किसान रैली का भव्य आयोजन किया गया था। इस रैली में पूरे क्षेत्र से लगभग 500 ट्रैक्टर एवं किसानों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं 26 जनवरी पर निकले इस किसान गणतंत्र परेड का विहंगम दृश्य। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज 12 में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के मार्गदर्शन में किसान रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में पूरे क्षेत्र से लगभग 500 ट्रैक्टर एवं किसानों ने हिस्सा लिया, जिसमें से प्रशासन ने कुछ ट्रैक्टरों को लिंक रोड पर ही रोक दिया था और हाईवे पर नहीं चढ़ने दिया, जिस कारण किसानों ने बहुत काफी लंबा सफर तय करते हुए हाईवे पर आने का प्रयास किया, लेकिन सभी लिंक रोड बंद होने के कारण बहुत से ट्रैक्टर हाईवे पर नहीं आ सके। किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह मनाने से प्रशासन ने बाधा उत्पन्न करने पर किसानों ने इसका जमकर विरोध भी किया। वक्ताओं ने विचार व्यक्त करते हुए इसे संविधान विरोधी करार दिया और जिन लोगों ने बाधा उत्पन्न की उन्हें राष्ट्रद्रोही भी कहा गया। इस ट्रैक्टर परेड में किसान आंदोलन के इलाहाबाद के संयोजक मूल निवासी राहुल सिंह, प्रदेश के वरिष्ठ किसान नेता एवं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश महासचिव मूल निवासी रामराज पटेल, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के ब्लॉक अध्यक्ष मूल निवासी रविंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता एवं किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणतंत्र दिवस और किसानों के ट्रैक्टर परेड के चलते सभी ओर जोशपूर्ण उत्साह दिखा।